अगर आपका बजट 8,000 से कम है, 7,500 है, तो ये वीडियो जरूर देखिए। 5 फ़ोन बताऊंगा, अच्छे फ़ोन बताऊंगा, गेमिंग कर सकते हैं आप हल्की फुल्की। यहाँ पे जो है यूट्यूब पे वीडियोस बढ़िया से चलेंगी, बड़ी डिस्प्ले मिलती है, अच्छी बैटरी मिलती है और बढ़िया ठीक ठाक कैमरा मिलता है आपको। तो यहाँ पे जो है मैं आपको सब फ़ोन बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको सैमसंग M04 के बारे में। अच्छा फ़ोन है, अमेज़ोन पे मिलता है, 4 GB की रैम मिलती है, 64 GB स्टोरेज मिलती है, सपोर्ट करता है 4G 3G 2G को, 6.5 इंच की LCD आपको HD+ डिस्प्ले मिलती है, MediaTek हीलियो P35 का प्रोसेसर मिलता है, एंड्रॉयड 12 मिलता है, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दूसरा कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है, वेट जो है 188 ग्राम है, 7,499 रुपये जो है इसका प्राइस है। तो ये जो है आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, डिज़ाइन एंड लुक के मामले में भी बहुत अच्छा है और सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी भी जो है काफ़ी बढ़िया होती है। तो बात करते हैं अभी यहाँ पे मोटो E13 के बारे में। 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे जो है 7,749 रुपये देने पड़ते हैं। फ्लिपकार्ट पे या फिर इनके वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। 4 GB रैम मिलता है, 64 GB स्टोरेज, सपोर्ट करता है 4G 3G 2G को, 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, यूनिसॉक T606 का जो है प्रोसेसर है, एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है, 13 MP मेन कैमरा है, 5 MP फ्रंट कैमरा है, वेट जो है 179.5 ग्राम है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। फ़ोन जो है अच्छा है, टिकाऊ है, सुंदर लगता है। बात करें नेक्स्ट फ़ोन के बारे में, तो ये है लावा का UA2 Pro। 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के लिए आपको 7,999 रुपये देने पड़ेंगे और इसके जो मतलब स्पेक्स हैं बहुत ही बढ़िया लगे मुझे। यहाँ पे 6.5 इंच की जो है HD+ नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है आपको, MediaTek हीलियो G37 मिलता है, एंड्रॉयड 12 पे ये बेस्ड है, 13 MP का मेन कैमरा है, 3 कैमरा सेटअप है, बट मतलब ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बट मेन वाला जो है 13 MP का है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है, वेट जो है 204 ग्राम का है, 5000 mAh की बैटरी है, ग्लास बैक मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ग्लास बैक दे रहे हैं लोग और डिज़ाइन जो है काफ़ी बढ़िया है और टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ आता है तो वो एक चीज़ है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिलता है, 7,999 रुपये इसकी प्राइस है, आप इसको खरीद सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के मामले में ये फ़ोन लगा मुझे और बाकी साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है, टाइप सी कनेक्टिविटी है, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी मुझे। अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फ़ोन के बारे में। ये फ़ोन है रियलमी Narzo 50i। ये फ़ोन थोड़ा पुराना है बट बहुत ही अच्छा फ़ोन है। 2 GB रैम मिलती है आपको, 32 GB स्टोरेज मिलती है, इसका हाइयर वेरियंट भी है लेकिन वो 8,000 से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उसको देखना चाहें उसको भी ले सकते हैं। सपोर्ट करता है 4G 3G 2G को, यहाँ पे जो है 6.5 इंच की जो है आपको HD+ डिस्प्ले मिलती है, प्रोसेसर की बात करें तो SC9863A का प्रोसेसर मिलता है, एंड्रॉयड 11 आपको मिलता है इसमें, 8 MP का प्राइमरी कैमरा है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है, वेट जो है 195 ग्राम है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 7,499 इसका जो प्राइस है, अमेज़ोन पे आप इसको खरीद सकते हैं। काफ़ी सही फ़ोन है, काफ़ी टिकाऊ। बात करें अगले फ़ोन की, तो यहाँ पे जो है रेडमी का फ़ोन मैंने आपके लिए बताया है, रेडमी नाइन ए स्पोर्ट, जो कि काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, 2 GB रैम के साथ भी आता है, वो थोड़ा आपको और सस्ता पड़ेगा, बजट और कम है तो उसको भी ले सकते हैं। 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के लिए आपको 7,499 रुपये देने पड़ते हैं। सपोर्ट करता है 4G 3G 2G को, 6.53 इंच की जो है HD+ डिस्प्ले मिलती है, MediaTek हेलियो G25 का प्रोसेसर मिलता है, एंड्रॉयड 10 पे ये बेस्ड है, 13 MP का प्राइमरी कैमरा है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है, वेट जो है 194 ग्राम है, 5000 mAh की बैटरी है, लंबी चल जाएगी, 7,499 रुपये इसका प्राइस है, इसको आप इनकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। जितने भी फ़ोन बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं, सुंदर हैं, टिकाऊ हैं, 8,000 से कम में ये जो है बेस्ट फ़ोन मैं कहूँगा अपने हिसाब से। बाकी आप देख लीजिएगा, जो भी आपको ख़रीदना है इनमें से देख सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं कि कौन से फ़ोन पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बताऊँगा, लेकिन जो है फ़ोन काफ़ी बढ़िया है जितने भी बता रहा हूँ मैं।